हाँ तो दोस्तों, आज हम मसूरी जा रहे हैं। कल हमने शादी अटेंड करी थी, इसके बाद मसूरी जा रहे हैं और आज हम देखते हैं क्या एंजॉय कर पाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि मसूरी जो है काफी ठंडा स्थान है और सब लोग वहाँ पे एंजॉय करने के लिए जाते हैं, ठंड का एंजॉय करने के लिए जाते हैं। और यहाँ दिल्ली में और देहरादून में आपको पता ही इतनी गर्मी पड़ रही है, तो हम आशा करते हैं कि हमारा जो टाइम है वो अच्छा बीतेगा। तो चलते हैं मसूरी और आपको दिखाते हैं मसूरी का पूरा भ्रमण और आपको क्या क्या हम दिखा पाएंगे। एक मसूरी झील है वो देखने की बात हुई है और इसके अलावा मॉल रोड है वो हुई है, बाकी वहाँ के फूड पॉइंट्स हैं उनको चखेंगे और एक अच्छा गुड टाइम हम बिताएंगे। तो चलिए मेरे साथ आप बने रहिए और एंजॉय लीजिए। दोस्तों, यदि हम मसूरी के बारे में बात करें, अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो हिल स्टेशन पर छुट्टियां बिताने के लिहाज से मसूरी सबसे फेवरेट जगह है। उत्तराखंड का यह मसूर हिल स्टेशन आज भी कपल्स का फेवरेट हनीमून डेस्टिनेशन है। दोस्तों, अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो हिल स्टेशन पर छुट्टियां बिताने के लिहाज से मसूरी सबसे फेवरेट जगह है। दोस्तों, ये देख लो कितनी अच्छी हरियाली दिख रही है आपको रोड पर, तो ये आप उसको देख सकते हैं गर्मी के मौसम में भी कितना हिल स्टेशन अच्छा दिखता है और रास्ता भी कितना शानदार है। तो आप छुट्टियाँ बिताने के लिहाज से मसूरी आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। उत्तराखंड का यह मशहूर हिल स्टेशन आज भी कपल्स का फेवरेट हनीमून डेस्टिनेशन है। सिर्फ कपल्स ही नहीं, लोग फैमिली को लेकर यहाँ आना पसंद करते हैं और आनंद लेते हैं। यहाँ पर कैंपटी फॉल, गन लेक, मसूरी लेक जैसी खूबसूरत जगह घूमने लायक है। इसके अलावा भी मसूरी में घूमने लायक कई और भी जगह हैं। तो दोस्तों, मसूरी लेक जहाँ तक है, ये सबसे पहले मसूरी लेक पड़ेगी। जैसे आप देहरादून से मसूरी के लिए जाएंगे तो मसूरी लेक पड़ती है और वो देहरादून डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से विकसित किया गया है इस इलाके को। और मसूरी लेक हाल में बना टूरिस्ट अट्रैक्शन है और देहरादून से ऊपर मसूरी आते वक्त मसूरी से 6 किलोमीटर पहले ही स्थित है ये मसूरी लेक। और यहाँ के कुछ देर के लिए आप रुक सकते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर पैडल नाव की सुविधा है, आप वहाँ पर जाके उसका आनंद ले सकते हैं। और देख दोस्तों, रोड है जो आप रात को भी ट्रैवल कर सकते हैं इस रूट पे, कोई प्रॉब्लम नहीं, पूरे दिन भर ये रूट है, चलता रहता है 24 घंटे, आप कभी भी आ सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, यहाँ से घाटी का बेहद खूबसूरत नज़ारा भी देख सकते हैं आप। इसके अलावा दोस्तों, कैंपटी फॉल है मसूरी के राम गाँव में स्थित। कैंपटी फॉल मसूरी आने वाले पर्यटकों के लिए बीच में सबसे फेमस जगह है। यह वाटरफॉल करीब 40 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरते हैं और फिर 5 अलग अलग धाराओं में बढ़ जाते हैं। यहाँ आपको हर वक्त ही पर्यटकों की अच्छी खासी भीड़ नज़र आएगी। आप चाहे तो यहाँ परिवार या दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने के लिए आ सकते हैं। दोस्तों, एक मंदिर भी है यहाँ पे और ये जो मंदिर है काफ़ी फेमस मंदिर है और यहाँ पर गुप्त मतदान के द्वारा ये मंदिर चल रहा है। और इस मंदिर का जो
यहाँ पे कोई चढ़ावा नहीं चढ़ता, मगर फिर भी गुप्त मतदान आता है, उससे मंदिर की का जितना भी संचालन है वो चल रहा है, और वो कौन देता है वो इस बारे में नहीं है। मैं इस मंदिर को नहीं एक्सप्लोर कर पाया, मगर हम सोचते हैं और सुना है हमने, जिस हिसाब से कहानी हमने सुनी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे हर वक्त ही पर्यटकों की अच्छी खासी भीड़ नज़र आएगी आपको। आप चाहे तो यहाँ परिवार या दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने के लिए कैंपटी फॉल में आ सकते हैं, साथ ही साथ वाटरफॉल के नज़दीक जाकर नहाने का मज़ा भी ले सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों मसूरी में एक लाल टिब्बा है, लाल टिब्बा जो कि आप जानते हैं लैंडोर में, मसूरी के लैंडोर में स्थित लाल टिब्बा का अर्थ है लाल पहाड़, या मसूरी का हाईएस्ट पॉइंट है। भारतीय सेना के साथ ही यहाँ ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन का ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन भी है, और यहाँ पर लिहाजा यहाँ पर एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है, मगर आप चाहे तो यहाँ की पहाड़ी पर 20 मीटर ऊंचे टावर पर रखे पुराने टेलीस्कोप से के जरिए पहाड़ी की खूबसूरत को निहार सकते हैं। इसके अलावा यहाँ घुड़सवारी का एक्सपीरियंस भी बेहतरीन होगा। इसके अलावा दोस्तों गन हिल है, लाल टिब्बा के बाद आप गन हिल मसूरी का दूसरा सबसे ऊंचा पॉइंट है, और ये जो कि माल रोड के करीब 400 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। आप चाहे तो यहाँ रोप में पहुँच सकते हैं। दोस्तों हमने भी गन हिल है वो एक्सप्लोर किया, और मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप गन हिल जरूर जाएँ, और आप आगे आने वाले जो फुटेज होगी इसमें ज़रूर देखेंगे गन हिल में हम घूम रहे हैं, और वो जो है आपका गंडोला जो है रोप वे है उसके थ्रू हम ऊपर गए थे। 125 रुपये हमारे से चार्ज लिया गया था, वो आपको आने वाले फुटेज में दिखेगा। तो दोस्तों गन हिल के लिए, गन हिल पर ऊपर पहुँचने के बाद आप टेलीस्कोप की मदद से सामने दिख रही हिमालय की पहाड़ियों को बेहद करीब से देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों द मॉल रोड है, मसूरी के दिल में बसा मॉल रोड, यहाँ पर हर वक्त टूरिस्ट की भीड़ जमा रहती है। आप चाहे तो शाम के वक्त आराम से टहलने से निकल सकते हैं, शॉपिंग करने का इरादा है तब भी मॉल रोड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ 2 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच है जो लाइब्रेरी पॉइंट से शुरू होकर पिक्चर पैलेस तक जाता है। तो दोस्तों आप मसूरी ज़रूर आएँ और मसूरी को ज़रूर देखें। इसके अलावा दोस्तों कंपनी बाग भी है यहाँ पे, आप कंपनी बाग घूम सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा नाग टिब्बा है जो 55 किलोमीटर में की दूरी पर एक ट्रैकिंग है, और ये बहुत आदर्श जगह है दोस्तों, जो कि 10,000 फीट पर मसूरी के आसपास की सबसे ऊंची चोटी है और घने जंगलों में अच्छे थे। इसके अलावा दोस्तों सुरकंडा देवी है मंदिर है जो कि मसूरी से के 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, 10,000 फीट पर आप यहाँ जा सकते हैं और सुरकंडा देवी मंदिर देख सकते हैं, जहाँ शिव की पत्नी ने के सिर गिर गया था, जो यह शिव के बहुत कोर करने के लिए ब्राह्मण हिल गया था, मौत का भयानक नृत्य को रोकने के लिए बंद काटा गया था, बाद में साइट पर बनाया गया था दोस्तों सुरकंडा देवी। इसके अलावा दोस्तों यमुना पुल है वो मछली पकड़ने के लिए एक बड़ा आकर्षण, लेकिन आप एक परमिट के लिए जिला वन कार्यालय से इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी परमिट की। कुल दूरी मसूरी से ये लगभग 30 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा दोस्तों लाखा मंडल है और ये 80 किलोमीटर दूरी पर स्थित यमुनोत्री रोड पर है, और ये पुरातत्व महत्व की मूर्तियों के साथ महाभारत के साथ जोड़ा गया है। तो दोस्तों आप मसूरी जाएं और मसूरी का एक्सप्लोर करें, और आप ये देख रहे हैं देखिए कितना अच्छा मौसम हो रखा है, कितनी अच्छी रोड है, और साथ साथ में साइड पॉइंट रोड के साथ साथ बना रखे, आप वहाँ देख सकते हैं कितना सुंदर दृश्य दिखता है, भाप हवा का जो भाप है उड़ रही है और हम इंजॉय कर रहे हैं, इतना अच्छा लगता है। तो ये एक देहरादून से 35 किलोमीटर के दूर पर आपको एक तो तापमान अच्छा मिलता है, और दूसरा आपका जो पॉइंट है जो देखने का एंटरटेनमेंट है वो भी ज़्यादा दूरी नहीं है, आप आराम से जा सकते हैं और एक अच्छा समय बिता सकते हैं अपने बच्चों के साथ में। और अगर आप वहाँ रहना चाहें तो वहाँ पे अच्छे खासे होटल्स हैं, और होटल की सुविधाएं अच्छी है, वहाँ पे खाने पीने की सुविधाएं अच्छी है, मार्केटिंग की सुविधा अच्छी है, बैंकिंग अच्छी है, और आपको पैसे की भी वहाँ पे ATMs अच्छे हैं, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सब वेल इक्विपाइड और वेल मेंटेन आपकी मसूरी है, तो यहाँ पे जाइए और उसका आनंद लीजिए। मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप मसूरी ज़रूर आइए, और ख़ासकर गर्मियों के मौसम में, ये गर्मियों में आप ये समझ लीजिए इसमें पूरा समय यहाँ पे भीड़ लगी रहती है, और लोग आनंद के लिए अपने वीकेंड के लिए वीकेंड डेस्टिनेशन बना रखा है दिल्ली वालों ने, खासकर दिल्ली से बहुत लोग जाते हैं मसूरी घूमने के लिए। तो आप भी आइए और आनंद लीजिए मसूरी का, वहाँ की ताज़ी हवा का, ठंडी हवा का, और अपनी बॉडी को रिजुविनेट करिए और आनंद लीजिए।
दोस्तों अब हम ये मसूरी की पार्किंग में आ गए हैं और इसका जो चार्ज है वो 200 रुपीज़ है 5-6 घंटे के लिए। और हम अभी 2 बजे के करीब आए हैं और हम 10:30 बजे तक इन्होंने बोला आने के लिए। माल रोड है, ये देखिए ये पूरा माल रोड है और ये सामान लगा हुआ है यहाँ पे। चलिए आ जाओ, मैं आपको दिखाते जाता हूँ। सुंदर, क्लीन और ठंडा है यहाँ पे और रात में और अच्छा ठंडा हो जाएगा। अभी 20 के करीब होगा, 20 डिग्री, और रात को शायद 15 से नीचे चला जाएगा। दोस्तों अगर आपको मसूरी की मॉल रोड पर घूमना चाहते हैं आप, तो शाम 5 बजे से पहले आपको शहर में एंट्री करनी होगी। इसके बाद कोई भी वाहन जो है वो माल रोड पे प्रवेश नहीं करता है। और एक्चुअली में ये जो MDDA ने ये अपना रूल बना रखा है, और यहाँ पे जो पार्किंग है वो सब नीचे है। आप मॉल रोड पे कोई भी, आप 5 बजे के बाद कोई भी आप अपनी गाड़ी नहीं ले जा सकते हैं। अगर आप वो ले जाएंगे तो आपको भारी भरकम पैसा भी देना पड़ेगा और कई बार में वो आपके लिए सुविधाजनक भी नहीं होगा। तो आप जब भी मॉल रोड पर आएँ तो अपनी गाड़ी को नीचे पार्क करके और 5 बजे से पहले पार्क करके आ जाएँ, और 5 बजे से पहले निकल सकते हैं आप, उसके बाद नो एंट्री हो जाती है। देखिए हम मॉल रोड घूम रहे हैं, कितना अच्छा है, साफ़ सुथरा, और एक भी वाहन नहीं चल रहे हैं। और जो भी अगर छोटे मोटे वाहन आते भी हैं या वो बड़े वाहन आ भी रहे हैं, तो वो पूरा पैसा है जो 150 रुपये 200 रुपये जो भी चार्ज दे के यहाँ से निकलते हैं या फिर वो भी करते हैं। और अभी वैसे कोविड का टफ टाइम है तो इसलिए थोड़ा सा वाहन भी कम है, पर्यटक भी कम है, तो एक ये भी चीज़ है। और जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर हम घूम रहे हैं, और बिल्कुल भी ये जो गाड़ियाँ खड़ी हो रखी है इन्होंने अपना परमिट ले रखा है, यहाँ पे चार्ज दे के यहाँ पे आए हुए हैं, तो अभी ने अलाउ कर दिया क्योंकि थोड़ा सा कोविड टाइम में भी इतनी भीड़ नहीं है। और एक चार्ज लेके देखिए दोस्तों, ये मार्केट है, काफ़ी बोटिया मार्केट है, लद्दाखी मार्केट है, तो आप यहाँ पे परचेज़ कर सकते हैं सामान अगर आपको कुछ अच्छा लगता है। तो अगर आपको कोई भी आपको पसंद आए तो काफ़ी लंबा मार्केट है बोटिया मार्केट, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। ये आगे तक काफ़ी दूर तक मार्केट है, यहाँ पे खोमचे हैं, खाने पीने के सब स्टॉल लगे हुए हैं सही ढंग से, और पानी की व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था है, और आपका बीच में एक आध मंदिर भी पड़ते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। वो छोटे मंदिर है, वो देखने लायक नहीं है, मगर एक से बना रखा है। बैठने की पूरी व्यवस्था है, आप कहीं पर भी अगर थक जाते हैं तो बैठ सकते हैं। बच्चों के लिए ट्रॉली की व्यवस्था है, जो छोटे बच्चे जो चल नहीं सकते उनको आप हायर पे ट्रॉली ले सकते हैं, आप साइकिल ले सकते हैं किराए पे, और कुछ फ़न एक्टिविटीज़ भी होती है वो भी कर सकते हैं। आइसक्रीम के स्लॉट हैं, खोमचे वाले हैं, रेड़ी पटरी वाले हैं, गोलगप्पे टिक्की वाले, सब आपको यहाँ पे मॉल रोड पे मिल जाएगा जो आप चाहते हैं। देखिए दोस्तों कितनी अच्छी सीनरी लग रही है पीछे, और बादल भरे हुए हैं और ठंडा सा मौसम है, और मैं इन्जॉय लेते हुए कितना अच्छा लग रहा है। तो अभी हम इसके बाद यहाँ से हमने प्लान किया कि इसके बाद हम गंडोला राइड जाएंगे, और आपको गंडोला राइड जो है ऊपर जाता है
गन हिल पॉइंट में, वो हम आपको दिखाएंगे गंडोला राइड, और वो बहुत अच्छी राइड है। मैं आपको सबको बोलना चाहता हूँ कि आप जो गंडोला राइड है वो ज़रूर करें। 125 रुपये का टिकट है और आपको आना और जाना दोनों को दोनों देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये देखिए फल, फ्रेश फल बिक रहे हैं आपके, आप यहाँ से खरीद सकते हैं और अपना एक अच्छा समय बिता सकते हैं। और गंडोला राइड की जो मैंने आपको बात की, 125 रुपये में आपको गन हिल ले जाएंगे ऊपर, वहाँ से ऊपर ले आना और जाना दोनों होगा 125 रुपये में, एक एक हेड काउंट का। हम जैसे चार थे तो हमारे उसके अकॉर्डिंग पैसे लगे, 250 रुपये हमारे लग गए। तो दोस्तों अभी आगे फुटेज में आपको मैं दिखाऊंगा कि मैं हमारी गंडोला राइड कैसी रही। और दोस्तों अभी जो कोविड टाइम में थोड़ा सा कम भीड़ है तो ये भी एक अच्छी बात है, और मगर सेफ़ रहिए, दूरी बना के रखिए, मास्क पहन के रखिए और अपनी यात्रा का आनंद लीजिए। दोस्तों यहाँ पे होटल भी है, हमने होटल में स्टे नहीं करा था क्योंकि हमारा खुद देहरादून में घर है, तो हम यहाँ पे सिर्फ 5-6 घंटे हमने बिताए और अपने घर में चले गए, तो हमारे लिए अच्छा है ये। हाँ, बाकी आप अगर वेदर इन्जॉय करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप स्टे करिए, पर पहले से ही आप अपनी बुकिंग करके आइए होटल की, जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद है। आपको एक पार्किंग भी मिल जाएगी, साथ साथ में आपका जो होटल स्टे है वो भी बढ़िया होना चाहिए, ताकि आपका व्यू वाला होटल होना चाहिए यहाँ पे मसूरी में। अगर आप आ रहे हो, आप वेदर का आनंद तो लेंगे लेंगे, साथ में आप अपना क्या नाम है इंजॉयमेंट जो है, जो मॉल रोड का जो छटा है जो रात शाम को होती है, सुबह होती है, वो भी चलने हेलो 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 दोस्तों ये हम गंडोला राइड में बैठे हुए हैं, और गंडोला एक गंडोला में जो रोप वे है
उसमें हम 12 बंदे बैठ सकते हैं। और अपना सेफ्टी का ध्यान रखिए इसमें ज़रूर, और देखिए कितना अच्छा गंडोला राइड है। हम सब के सब इसमें 11 बंदे के करीब सवार हैं, और पूरा आपको यहाँ से मसूरी और देहरादून पूरा नीचे दिखता है, और ऊपर जाके आप पूरा मार्केट है, आप वहाँ इंजॉय कर सकते हैं। हम गन हिल पॉइंट जा रहे हैं इस समय, और मार्केट है वहाँ पे, फन एक्टिविटीज़ होती है। इसके अलावा जो आपका बच्चों के लिए खेल वहाँ पे हैं, जो वो भी हैं वहाँ पे, झूले भी हैं, और एक अच्छा व्यू है। मतलब गन हिल पॉइंट जो है मसूरी का सेकंड सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, फर्स्ट है जो लाल टिब्बा है और सेकंड गन हिल पॉइंट है। तो आप यहाँ पे ज़रूर आइए, और इसका मैंने जैसे कि आपको चार्ज बताया है वो 125 रुपये पर हेड है। हम चार बंदे थे तो हमारा 500 रुपये लगा है, उसमें आना और जाना दोनों है। ऊपर नीचे से ऊपर जाइए, ऊपर से नीचे आइए, आप जा सकते हैं, दो तीन घंटे में वापस आ सकते हैं, आप अपना नंबर लगा के वापस आ सकते हैं। और अपने टिकट को है वो संभाल के रखिए, ताकि जब आप वापस आते समय आप उसको ऊपर मंदिर भी है शायद। निकालो मास्क, निकालो ऊपर गन हिल क्या है? गन हिल क्या? डॉक्टर और गाइड का कॉम्बिनेशन कितना यूनिक हो गया सोच। चौथी बार हम ठंडी है, अगर हम हर बार एसी तो हर बार मनसा देवी भी रोप वे से गए करने आते हैं। पापा उधर बैठ जाओ, आप मेरे को यहाँ बैठना। टी पॉइंट में टी पॉइंट है, चाय पिया जाए। हाँ तो दोस्तों, ये हम पहुंच चुके हैं गन हिल पॉइंट, जो कि मसूरी का सेकंड हाईएस्ट पॉइंट है। और यहाँ पे हम जैसे कि बताया आपको अभी, मैं रोपवे से हम आए हैं, और ये देखिए ऊपर पूरा मार्केट है आपका एंटरटेनमेंट का, खाने का जो खाना खाना चाहता है। इसके अलावा यहाँ पे वॉशरूम भी है और फूड पॉइंट्स हैं, खेलने के लिए हैं, बच्चों के खेलने के लिए जितना भी एंटरटेनमेंट होता है वो सब कुछ है यहाँ पे। और मैं भी दिखाता हूँ आपको, बच्चे एंटरटेनमेंट करते हुए यहाँ पे काफ़ी फ़न एक्टिविटीज़ काफ़ी है जो उन्होंने उसमें भाग लिया था, तो वो भी आपको मैं इस फुटेज में दिखाऊंगा। तो दोस्तों, मेरा ये कहना है आपसे कि आप एक गन हिल पॉइंट ज़रूर आइए जब भी आप मसूरी में आते हैं, देखिए कितना अच्छा है। और अभी थोड़ा सा कोविड के कारण कम भीड़ है, और कम भीड़ ही अच्छी होती है वैसे देखा जाए तो आप एक लिमिटेड टूरिस्ट अगर हो वहाँ पे तो अच्छा लगता है। ज़्यादा क्राउड भी पसंद नहीं है, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, मुझे ज़्यादा क्राउड पसंद नहीं है। तो ये यहाँ पे आना और यहाँ देखना, और पीछे अच्छी खासी सीनरी है, यहाँ सीनिक व्यू है एक्चुअली में। ये देखिए दोस्तों, जैसे कि मेरा बच्चा अभी देखो फन एक्टिविटीज़ कर रहा है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। बच्चों का इससे माइंड डेवलप भी होता है, और साथ साथ में उनको एंटरटेन भी होता है, और एक अच्छी लोकेशन में वो एक और बड़ी अच्छी बात हो जाती है। तो यहाँ पे गन हिल में ज़रूर आइए, यहाँ पे काफ़ी 50-60 शॉप मिल जाएंगी आपको। तो आप कुछ ख़रीदना चाहते हैं तो वो भी आपको है, वो भी आप ले सकते हैं यहाँ से। बाकी सबसे जो इसका मेन जो आने का यहाँ पे मकसद है वो यही है कि आप एक गंडोला राइड जो रोप पे राइड करें, और यहाँ पे जो सबसे मेन चीज़ है प्रकृति का आनंद, वो आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, तो आप आइए यहाँ पे ज़रूर, मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ। तो दोस्तों, ये है गन हिल पॉइंट, और हम यहाँ पे गन हिल पॉइंट में आ रखे हैं। और इस समय जो टेम्परेचर है मसूरी का वो 14 डिग्री के समथिंग है, और जुलाई का मंथ है, तो बहुत ही आनंद वाला माहौल है। और बच्चों को हम घुमा रहे हैं, और बच्चे यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं ये यहाँ पे, तो बड़ा ही आनंद आ रहा है। और मौसम सबसे बढ़िया बात है कि बड़ा ठंडा है, तो एक अलग आनंद है। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि जो गन हिल पॉइंट है जो मसूरी में गंडोला राइड है, उसको ज़रूर लें, और ऊपर गन हिल पॉइंट में ज़रूर आएँ, और यहाँ पे मार्केट है और बच्चों की एक्टिविटीज़ है वो उसको ज़रूर करवाएं। तो इससे आपका बच्चों का भी अच्छा इंटरटेन होगा, और आपको एक
सीनिक व्यू है, अगर आप प्रकृति से प्यार करते हैं तो वो भी आपको सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे आइए और आनंद लीजिए, तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए मेरा चैनल बी क्रिएटिव, एंजॉय प्रेजेंट लाइफ। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों अब हमने गन हिल पॉइंट पूरा देख लिया है और आप यहाँ से देख रहे हैं पूरी मसूरी और देहरादून दिख रहा है। रात का समय हो चुका है, रात के 8 बज चुके हैं और हमने पूरा गन हिल पॉइंट अच्छे ढंग से देखा और अब हम नीचे जा रहे हैं। दोस्तों नीचे जाने के लिए आप देखिए, जैसे ये गंडोला राइड जा रहा है नीचे, नीचे जाने के लिए आपको कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, वो 125 रुपये में ही आपका अप और डाउन होता है। और आपको लास्ट यहाँ पे जो है अभी कोविड टाइम में 9:30 बजे तक लास्ट जाता है, उसके बाद आपको नीचे जाने के लिए पैदल जाना होगा। तो इसलिए आप समय पे यहाँ पे आ जाएं, 9:30 और 10 के बीच में आप नीचे जा सकते हैं आराम से अपना पूरा घूमने के बाद, और आराम से जाइए। सुरक्षा का अपना ध्यान रखिए, सेफ्टी का। और जब भी आप गंडोला राइड में चढ़ते हैं तो एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनती है इसकी, तो अपना वजन ऐसी जगह लगा के सब एक ही साइड में ना बैठें, पूरा फैल के बैठें ताकि पूरा वजन पूरी जो कार है, जो रोप वे कार है, उसमें पड़े और एक आप सुरक्षित अपनी जो वो है गंडोला राइड को कर सके। हम जैसे कि देख रहे हैं आप, हम जा रहे हैं और हमारे जो गंडोला राइड है काफ़ी अच्छी रही। हमने अभी रात का भी सीन हम देखा है, देखिए कितनी प्यारी मसूरी दिख रही है और कितना आनंद आ रहा है देखिए। तो ये हमारा सफ़र हम आज तक कभी नहीं भूलेंगे, और एक मसूरी हम कई बार आते हैं और कई बार हमने देखा है, मगर ये जो गन हिल पॉइंट है मैं आज पहली बार देख रहा हूँ। कई बार कुछ चीज़ें छूट जाती, कई बार कुछ चीज़ें छिटा जाती, इस बार मैंने गन हिल पॉइंट कवर किया। दोस्तों अब हम मसूरी मॉल रोड में दोबारा आ चुके हैं और अभी हम यहाँ पे रात का डिनर करेंगे, और रात का डिनर करने के उपरांत हमने यहाँ स्टे ना करने का फ़ैसला किया, क्योंकि हमारा घर यहीं है देहरादून में, तो हम वहाँ पे जाएंगे अपने घर में। यहाँ से 1.5 घंटे का रास्ता है हमारे घर का, और हमने जैसे कि आपको बताया था कि नीचे हमने पार्किंग गाड़ी खड़ी कर दी थी जिसका 200 रुपये चार्ज था। तो अभी हम थोड़ा सा और यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे और खाना खाएंगे, थोड़ा डिसीजन लेंगे कौन सा खाना, कैसे खाना खाना है और कौन से रेस्टोरेंट में खाना। जैसे कि हम यहाँ आ चुके हैं और अच्छा रेस्टोरेंट है ये, हम यहाँ पे ऑर्डर दिया हमने कुछ खाने का, वो खाने के उपरांत हम घर के लिए प्रस्थान करेंगे, और जो कि हमारा घर देहरादून में है। हाँ तो दोस्तों हम मसूरी देख आए और काफ़ी अच्छा लगा हमें, हमने जो है गन हिल पॉइंट है वो देखा था, और आपका साथ ही साथ मॉल रोड हम घूमे हैं, और इसके अलावा यहाँ पे हमने जो है डिनर करा था, काफ़ी अच्छा था हमारा टूर और मौसम भी काफ़ी ठंडा था, आनंद आ गया। तो दोस्तों मेरे ब्लॉग को देखिए, और आप जो आपने देखा है मेरे ब्लॉग को, अगर आपको अच्छा लगा है तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और मेरे वीडियो ट्रैवलिंग ब्लॉग को देखते रहिए। धन्यवाद।